नमस्कार। पापी पेट ना होता तो क्यों आदमी कमाने के लिए जाता, जान जोखिम में डालता और इस प्रकार की हरकत भी करता और अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या ना करता। पापी पेट सब कुछ करवाता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं, ऐसे ही एक खदान पे लेकर चलेंगे आपको, हम दिखाएंगे जहां पर छुही निकाली जाती है। छुही मतलब, कैमरामैन से कहूँगा कैमरामैन आए मेरे पास में, थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएं। ये है, देखिए ये छुही इसे कहते हैं, माने चूना कहेंगे एक प्रकार का, जो घर में पोता जाता है, घर में लिपा जाता है। ये खदान के अंदर से निकाला जाता है, खदान के अंदर से निकाला जाता है, जान जोखिम में डाल के निकाला जाता है। फिर उस प्रकार से ये बोरी में पैक हो जाता है। अब बोरी में पैक होने के बाद फिर लोग इसको लेकर जाते हैं। मेरे साथ में कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं जो खदान में निकालते हैं। आपका शुभ नाम भाई सर? राम प्रताप केवट। राम प्रताप केवट जी, ये छुही कहाँ से लेकर आते हैं आप? वो सोन के तीरे से लाता हूँ, एक नाला बह रहा है उसमें हम लोग खनते हैं। उसमें डर नहीं लगता है? काफ़ी नीचे तक अंदर जाते होंगे। डर लगता है लेकिन क्या करें, पेट का सवाल है। एक बोरी कितने में बिकती है ये? एक बोरी तो 25 रुपये में जाती है। कितने किलो की होती है वो? 20-22 किलो की रहती है। 20-22 किलो की। दिन भर में मतलब सवेरे से आप लोग कितना निकाल पाते हैं वहाँ से, कितना निकाल लेते हैं? बस खाली खाने के लिए नॉन तेल चलता है, बस हो गया। कितना निकालते हैं वहाँ से, कितनी छुई निकल जाती है? अभी तो शासन बंद कर दिया है, नहीं निकाल पा रहे हैं। पर बंद लगा दिया वो। तो फिर ये कहाँ से लेके आए आप? अभी जो हम लोग पहले से निकाल के रखा हुआ है ऊपर से, वो लेके आ रहे हैं। पहले तो खनने नहीं दे रहा है शासन। अब खनने नहीं दे रहे हैं? नहीं खनने, हम लोग पेट भी मारा जा रहा है तो क्या करें। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि खनने नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पर सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर खनने नहीं दिया जा रहा है तो इतनी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरी रोड में, ये सियावल रोड है, सियावल रोड कहलाता है ये, जो सियावल अमलिया से सियावल रोड चला जाता है सीधी जिले के अंतर्गत में। तो यहाँ पर ये सारी बोरी आते हैं, 25 रुपये में ये बोरी बिकती है, 25 रुपये में। तो ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पर ये सारे लोग इसी में रोजी में लगे हुए हैं? सब लगे हैं। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? यही पास में आप, यहीं के हैं आप जी? तो कभी प्रशासन से नहीं कहा आप लोगों ने कि भाई रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ और जरिया, या फिर कभी आपको कर्ज मिला और BPL में नाम वगैरह है? नाम वगैरह सब है लेकिन वो देता भी नहीं है, जो कर रहे वो भी छीन रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? मतलब जो देता नहीं, मतलब एक BPL में नाम है, कुछ देता नहीं है, ये भी जो कर रहे हैं वो भी छीन रहा है। आपको BPL से खाद्यान्न वगैरह नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हुए हैं ये सब मतलब वही उसी कार में जुड़े हुए हैं? सब उसी कार में जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, जैसा इनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है इसी कार में जुड़े रहते हैं, ये चूना बेचने वाले कार में जुड़े रहते हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं खदान जहाँ से निकाला जाता है, वहाँ की स्थिति भी देखते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है। कि हम आपको मौत की खदान पे दिखाएंगे जहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर छुही निकालते हैं, जिसे लोग कच्चे मकानों में पोता करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि नज़ारा यहाँ कर दिखाएंगे। ये वो नज़ारा है जहाँ पर अभी कुछ पानी भरा हुआ है, जूम भी कर सकते हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कहना यह है कि प्रतिबंधित कर दिया गया है खदान को, कि यहाँ से चूना नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जहाँ तक खदान का नज़ारा देखकर ये प्रतीत हो रहा है साफ तौर पर कि छुही कहीं ना कहीं चोरी छुपे निकाला जाता है, क्योंकि उनका भी कारण ये है कि उनको पेट चलाने के लिए ये जो आधार है बड़ा आसान समझ में आता है, आसान तरीके से जो है ये यहाँ से छुही निकाल लेते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर। क्योंकि जब खदान धंसता है तो इसका कई जीता जागता नज़ारा आपको देखने मिल चुका है। सीधी ज़िले में कई ऐसे खदान हैं और मध्य प्रदेश में कई ऐसे खदान हैं जहाँ पर छुई खदान धंसने से लोगों की मौत हो चुकी है। यह है मौत का वो मंजर। आइए हम और नीचे भी चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक छुही का स्टॉक रखा हुआ है, जो पहले से निकाल कर यहाँ पर लोगों ने स्टॉक कर लिया था और स्टॉक करके अब धीरे धीरे जो है यहाँ से ले जाके बेच रहे हैं। इसमें अलग अलग गांव के लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना अपना अलग अलग जो है स्टॉक बनाया हुआ है। कुछ का स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है जिन्होंने अपना सीमा बनाई हुई है, कुछ का वहाँ पत्थर रखी हुई है देख सकते हैं, वहाँ की सीमा बनाई हुई है, कुछ का यहाँ पर सीमा बनाई हुई है। इन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग सीमा बनाए रखी है और सीमा के अंतर्गत में ये अपनी वहाँ पर खुदाई करके रख चुके हैं और यही ले जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क पर ले जाते हैं और बेचते हैं और अपने घर का जीप आजकल चलाते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राज बहोर के साथ मैं राजू गुप्ता। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।